नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। देश के आदिवासियों को जानने समझने के क्रम में इस बार हम झारखंड में हैं और आज हम पहुंचे हैं जंगे आज़ादी के अमर सिपाही बिरसा मुंडा के गांव उल्हातू में। और आज हम बात करेंगे मुंडा जनजाति की, बात करेंगे उनकी जीवन शैली की और उनकी जीविका की। यह भी खूबसूरत इत्तेफाक था कि जब मैं भी भारत की टीम झारखंड पहुंची तो आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल मनाया जा रहा था। सरहुल मनाते हुए नगाड़ों और ढोलों पर आदिवासी झूमते हैं। साथ ही सामूहिक भोजन होता है हड़िया के साथ। हड़िया आदिवासियों का पसंदीदा पेय है जो एक तरह के चावल और कुछ पत्तों को मिलाकर बनाया जाता है। त्योहार हो या शादी ब्याह, हड़िया जरूर परोसी जाती है। आप सबको सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यसभा टीवी की तरफ से देश के आदिवासी समाज को समझने के लिए हम लोग देश के कोने कोने में घूम रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि न सिर्फ हम आदिवासियों के दर्द को समझें बल्कि उनके अधिकार को भी समझें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासियों के साथ सरहुल मनाने के बाद हम बढ़े मुंडा जनजाति, उनकी जीविका के साधनों और उनके संघर्ष को जानने समझने के सफर पर। झारखंड के खूंटी जिले में जाने माने क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। यूं तो झारखंड के हर चौक चौराहे से लेकर स्टेडियम और एयरपोर्ट तक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर है। लेकिन उनके गांव तक जाने वाली सड़क अभी भी कच्ची पक्की है। गांव में उनका स्मारक है लेकिन लगता है कि खास मौकों पर होने वाली वीआईपी यात्राओं के अलावा ये बंद ही रहता है। बहरहाल ये एक छोटा सा गांव है और निर्मल मुंडा यहाँ के मुखिया हैं। कहती तो हम लोग को मतलब कास कहती तो दान दान को भी लगता है लेकिन पानी का प्रॉब्लम से दान घोड़ा दान भी लगा सकते हैं लेकिन इंसल तो कैसे हुआ तो पानी के अभाव से कहती नहीं हुआ। गांव में सोलर पावर से चलने वाली स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। इसके अलावा आदर्श शौचालय का एक मॉडल है जो कई साल पहले गांव के आदिवासियों को बनाकर दिखाया गया था। लेकिन कई बरस बीतने के बाद भी सिर्फ मॉडल मौजूद है
शौचालय गायब। झारक्राफ्ट यानी झारखंड सरकार की वो संस्था जिसे आदिवासी उत्पादों की खरीद बिक्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसका बोर्ड बाकायदा मौजूद है। लेकिन क्या वो संस्था गांव में है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? बिरसा मुंडा के पोते से हमारी मुलाकात हुई तो उन्हीं से हमने ये सवाल पूछ लिया। कुछ सेंटर में सिखाते हैं, कुछ खरीदारी होती है यहाँ पे? खाली सिखाया गया, उसके बाद कुछ नहीं। अब गांव के लड़के लड़कियां अब स्कूल जाते हैं, लेकिन हाई स्कूल पास कर लेना अभी भी बड़ी बात है। यहाँ आवासीय स्कूल भी है, डीएल स्कूल है और कान्हा विद्यालय स्कूल तो बहुत है, लेकिन यहाँ शिक्षक की कमी है जिसके चलते पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। यूं भी आदिवासी किसी से कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन अफसोस कि अगर उसने कभी अपने जनप्रतिनिधि से कोई उम्मीद की भी तो वो भी पूरी नहीं हुई। बिरसा मुंडा जिनको भगवान माना जाता है, उनके पोते को यही शिकायत है। मशीन तेल निकालने का नहीं है, इसी सपना से हम लोग बोले थे कि यहाँ मशीन बैठाया जाएगा तो यहाँ का कुछ विकास होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आबादी के लिहाज से मुंडा झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। झारखंड की कुल आदिवासी आबादी का करीब 15% मुंडा आदिवासी है। आबादी में पुरुषों और महिलाओं की तादाद भी लगभग बराबर है। फिलहाल हमने उल्हातू से विदा ली। नामकुम ब्लॉक का गरुड़पीढ़ी गांव हमारी अगली मंजिल होगा। घने जंगल के बीच बसा गांव गरुड़पीढ़ी मुंडा आदिवासियों के बड़े गांवों में से एक है। खेती के अलावा जंगल से मिलने वाली वनोपज मुंडा आदिवासियों के लिए बड़ा सहारा है। जंगल से आश्रित हैं। जंगल में जैसे यहाँ महुआ मिलती है, लहा और खेती वगैरह, सब कुछ कुछ लकड़ी बेच करके ही अपना जीविका, और साथ ही पशुपालन वगैरह, बकरी पालन किए हैं, मुर्गी पालन किए हैं, तो गाय पालन, ये सब मिला जुला के उसका जीविका चलती है। मुंडा जनजाति के लोग खेती करते हैं, लेकिन वो एक ही फसल ले पाते हैं क्योंकि उनकी पूरी खेती बारिश पर डिपेंड करती है। उनकी जिंदगी का मुख्य सहारा वनोपज है। आप देख सकते हैं ये लाख है जो जंगल से उन्होंने लकड़ियां काट के रखी हुई हैं। इस लाख को छुड़ाकर वो बाजार में बेचेंगे। इसके अलावा महुआ आप देख सकते हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो वो जंगल से इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचते हैं। आदिवासियों की जीवन शैली का जंगल से और उसकी जीविका का वनोपज से गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां इस संबंध को स्पष्ट करती हैं। 2006 में बने वनाधिकार कानून ने आदिवासियों के इस ऐतिहासिक अधिकार को मान्यता दी। इस कानून में आदिवासी गांवों की परंपरागत सीमा वाले जंगल और जमीन पर समुदाय को अधिकार दिया गया। इस कानून में आदिवासियों को तेंदुपत्ता, केंदुपत्ता, लाख, टसर और बांस जैसे वनोपज को इकट्ठा करने का हक दिया गया। इसके अलावा जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों और दवाओं में काम आने वाले पेड़ पौधों पर आदिवासियों के हक को भी मान्यता मिली। इस कानून में कहा गया कि आदिवासियों को जंगल में वनोपज की प्रोसेसिंग का अधिकार भी होगा। इसके साथ ही जंगल में जल स्रोतों में मिलने वाली मछली, जंगल में पशु चराने का हक
और इसके अलावा मौसम के हिसाब से मिलने वाली वनोपज पर भी आदिवासी के अधिकार को मान लिया गया। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय ने 2010 में जंगल से मिलने वाली उपज का आदिवासियों को न्यूनतम दाम दिलाने की मंशा से एक समिति का गठन किया। टी हक की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने मई 2011 में अपनी रिपोर्ट दी। इस कमेटी ने महुआ, तेंदू और केंदू पत्ता समेत कम से कम 12 तरह की वनोपज का न्यूनतम दाम तय करने की सिफारिश की। 2013-14 की आदिवासी मंत्रालय की रिपोर्ट दावा करती है कि वनोपज का न्यूनतम दाम आदिवासियों को मिल पाए, इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा चुके हैं। लेकिन झारखंड में वनोपज जमा करने वाले आदिवासी आज भी साहूकारों के भरोसे हैं। चाहे वो सामान्य वनोपज हो या फिर जड़ी बूटियां, उनका दाम बाजार तय करता है। इसके अलावा वनोपज की प्रोसेसिंग की बात हो या फिर दूसरी ट्रेनिंग, सारे दावे कागजी नजर आते हैं। जितना भी फसल जो है, धान हुआ, लहा हुआ, इमली हुआ, महुआ हुआ, वो सब हम लोग को मैंने गांव से लेकर के मार्केट में बुंडू में बेचते हैं। सही रेट तो सर नहीं मिल पा रही है, क्या कि मैंने कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो झारखंड का आदिवासी खेती जरूर कर रहा है, लेकिन आज भी उसकी जिंदगी का मुख्य सहारा जंगल ही है। और न सिर्फ जंगलों को बचाना उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है, बल्कि वन उपज के उसको उचित दाम मिल सकें इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। कानून में इसका वायदा किया गया है, सरकार कई योजनाओं का दावा भी करती है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इन योजनाओं और इन कानूनों पर चर्चा करेंगे। सत्ताईस प्रतिशत आय अभी भी ग्रामीणों का, जहां जंगल है 27% इनकम अभी जंगल से ही आता है। थ्री टू वन एक्शन। एक बार फिर राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम हैं होराब के जंगल में, जो झारखंड में स्थित है। और हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं और इस मेहमानों के साथ हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो पिछले दिनों यहां पर घूमकर हमने देखे। और उनमें से एक मुद्दा ये था कि आदिवासियों के लिए आज भी जंगल बहुत महत्वपूर्ण है और जंगलों से मिलने वाली वनोपज, जिसका अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट में आज़ादी के 60 साल बाद उनको दिया गया, क्या वो अधिकार उनको मिल पाया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो वायदे किए गए, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर बिचौलियों को दूर करने की बात की गई हो, क्या ये सब कुछ हो पाया है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीना लिंडा जी हैं, एडवा की नेता हैं यहाँ पर और आदिवासियों में काफ़ी काम करती हैं। प्रफुल्ल लिंडा जी किसान सभा से जुड़े हुए हैं, आदिवासी अधिकार मंच के साथ भी अभी उन्होंने काम करना शुरू किया है। उसके अलावा हमारे साथ हैं पीपी हेम्ब्रोम जी, जो ट्राइबल मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, जड़ी बूटियों से वो इलाज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इनको मिल चुका है अपने प्रयासों के लिए। शशिभूषण पाठक जी हमारे साथ हैं, झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक राइट से। शशिभूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वासवी कीड़ो जी जो हमारे साथ हैं, होड़ोपैथी एथनोमेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया चलाती हैं यहाँ पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वासवी जी। और हमारे साथ पोलिना कुजूर हैं, जो ट्राइबल मेडिसिन में प्रैक्टिस करती हैं रांची में यहाँ पर, और वो कोशिश कर रही हैं कि जो जड़ी बूटियों से इलाज होता है उसको लोकप्रिय बनाया जा सके। वासवी जी, अगर आपसे चर्चा की शुरुआत करें, वनोपज का जो मामला है उस पे फॉरेस्ट राइट एक्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, आखिरकार वन जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको कहा जाता है, उसका अधिकार आदिवासियों को दिया गया है, क्या उसके बाद कुछ आर्थिक हालत में बदलाव आया है आदिवासियों के? बहुत ही सही सवाल आपने किया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आने के बाद जो पूरे देश में लड़ाइयाँ चली और अभी भी जो संघर्ष चल रहे हैं, वो वन भूमि में पट्टा दावा पत्र और कैसे दावा पत्र दाखिल हो और कैसे उनको पट्टे हासिल हो, इसकी ही लड़ाइयाँ तक सीमित रह गई है। लेकिन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो एक बड़ा पहलू है
उसमें चैप्टर वन चैप्टर टू जिसमें वनोपज की बात है, जड़ी बूटियों की बात है और लघु वनोपज की बात है, उसके बारे में अभी बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है। उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि बहुत खास बहस की ज़रूरत है कि भारत के जंगलों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियां और जो वनोपज है उस पर आधारित इंडस्ट्री अभी तक बन क्यों नहीं पाई। सीमित प्रयास है लेकिन प्रयास शुरू हुए। शशि भूषण पाठक जी, झारखंड की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर काफ़ी घूमे हम आदिवासी इलाकों में, वो उसमें आप महुआ की बात करें, चिरौंजी की बात करें, केंदा की बात करें और कई तरह के वनोपज यहाँ पर मिलते हैं। जो बिचौलियों को हटाने की बात थी, क्या वो हो पाया है? असल में श्याम जी, इसको लेकर के कई पेच हैं। एक तो जान लीजिए कि झारखंड में जो वन है वो तीन तरीके के वन हैं। एक तो सिक्योर्ड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट विलेजेस हैं। फॉरेस्ट विलेजेस में तो आदिवासियों को हक है, लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं और जहां वनोपज हैं, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनका अंधाधुंध दोहन आयुर्वेद की कंपनियाँ कर रही हैं। आप लोध देख लीजिए, चिरंजी देख लीजिए, धवई फूल देख लीजिए, इन सारी चीज़ों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है और इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अपने यहाँ झारखंड में कोई पॉलिसी नहीं है। हमारा आदमी अगर आंवला निकालने जाता है तो रिजर्व फॉरेस्ट में पकड़ा जाता है और तुरंत तुरंत उसको चस्पा कर दीजिए कि वो नक्सलाइट है। लेकिन आप माफ़ कीजिएगा, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जितनी आयुर्वेद की बड़ी कंपनियाँ हैं सबके एजेंट्स हमारे ही लोगों के बीच से वहाँ निकल करके जा रहे हैं। आंवला हमारे यहाँ मैच्योर्ड होता ही नहीं है, पहले ही झाड़ लेते हैं, हरे झाड़ लेते हैं, बहरा झाड़ लेते हैं। प्रफुल्ल जी, जो मैंने सवाल शशि भूषण पाठक जी से भी पूछा था, अभी मैं 2013-14 की ट्राइबल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया कि जो वनोपज है उसको सीधा आदिवासियों से ख़रीदने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी, उनको सही दाम मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी। क्या ऐसा हुआ है? अभी कोऑपरेटिव के द्वारा इसको ये सरकार ने तय किया है कि 230 रुपया किलो प्रति केजी के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन कहीं भी कोऑपरेटिव काम नहीं कर रही है। अभी भी उनको औने पौने दाम में कहीं 70 रुपया, कहीं 80 रुपया, कहीं 100 रुपया तक लाह का बिक्री यहाँ पर हो रहा है। उसी ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर तेंदुपत्ता का वहाँ पर कोऑपरेटिव करके काम करने का बात हुआ था, लेकिन अभी भी पुराना बने 100 पत्ती पर अभी भी 1 रुपया का दर से वहाँ पर दिया जा रहा है। उसी ढंग से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आंवला का जब अभी उदाहरण दिए, उसके अलावा हमारे यहाँ जो कुसुम का है वो तमाम अभी भी यहाँ सरकार का कोऑपरेटिव नाम के लिए है, सरकार का ऑफिस नाम के लिए है, अभी भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग ने सर्वे किया, जेएनयू का स्टूडेंट लोग वहाँ पर आया था, हम लोग ने देखा कि 27% आय अभी भी ग्रामीणों का जहाँ जंगल है, 27% इनकम अभी जंगल से ही आता है। डॉक्टर हेमरम, आपके पास मैं आना चाहूँगा कि आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं और ये कहा जाता है कि जो आदिवासी हैं जंगल का ज्ञान और उनकी जड़ी बूटियों का ज्ञान जितना उनको है शायद किसी को नहीं। आजकल आयुर्वेद की बड़ी चर्चा है, पाठक जी ने बताया कि बहुत एक तरह से बहुत सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है और समाज भी और शहरों में ख़ास तौर पर आयुर्वेद की तरफ झुकाव देखा जा रहा है। आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं जो जड़ी बूटियों में, क्या किसी तरह का कोई प्रोत्साहन आप लोगों को मिलता है और किस किस तरह का इलाज, थोड़ा सा आप अगर हमें बता पाएँ? नहीं, सबसे दुखद बात तो यह है कि सरकार को मालूम ही नहीं है उसके पास क्या संपत्ति है, कोई इन्वेंट्री नहीं है। पुराने रेकर्स ब्रिटिश के समय से उसको देखते हैं तो लगभग 3,500 से अधिक पौधे हैं जो सभी जिनमें औषधीय गुण हैं। और ये तो वास्तव में अगर जो वैज्ञानिकों की बात को माने तो ये जितने भी ये क्या कहें आधुनिक जो स्वास्थ्य सेवा है, आधुनिक मेडिसिन्स हैं, इसका ओरिजिन तो जो है ये आदिवासी के पास जाता है, वही है और उसके बावजूद भी इसको बेकार समझा जाता है जी। पोलिना कुजूर जी, आप भी प्रैक्टिस करती हैं ट्राइबल मेडिसिंस में, कैसा रिस्पांस होता है, कितने लोग आपके पास आते हैं? शहर के लोग भी अभी जड़ी बूटी तरफ देख रहे हैं क्योंकि मैं दवा देती हूँ, शहर में रहती हूँ। हालांकि बीच में हम लोग को कुछ घुमा दिया गया, हम लोग जो शहर में रहते थे जड़ी बूटी देखे भी थे लेकिन भूल गए। लेकिन जैसे मेरा बहुत दिन से लिकोरिया था, मैं यहाँ से वहाँ से कंपनी से कहाँ कहाँ से दवा खाई, बहुत परेशान थी। लेकिन लास्ट में अभी 2-3 साल हो रहा है, बाबा ट्रेनिंग देते हैं वहीं जाके मैं अपना इलाज कराई और मुझको पूरा विश्वास है कि जड़ी बूटी में जितना ताकत है उतना
एलोपैथिक का दवा में नहीं है। वासवी जी, क्या वजह है कि आदिवासी को वनोपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है? लोगों के दिमाग में ये घुसा है, माइंडसेट बना हुआ है कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट मानती है ऐसा, तब भी मैं गवर्नमेंट की कुछ बातें गवर्नमेंट खुद असेस कर ले। लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में, ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिनकी निर्भरता जंगलों पर है, और लगभग 30 करोड़ लोग जिनकी जीविका जंगलों से चलती है। तो इस आंकड़े के आधार पर भी सरकार विश्लेषण करके और एक डेवलपमेंट का आंकड़ा, एक खाका खींच सकती है कि भाई जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उस पर आधारित इंडस्ट्री कैसे लग सकती है। पाठक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो आदिवासी जंगल में रहना चाहता है, जो उसका जंगल आधारित जीवन है, उसको सहेजने की कोशिश नहीं की जा रही है वनोपज के मामले में। जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये वादा किया गया था कि उनको अधिकार दिया जाएगा जंगलों में जाने का, वनोपज इकट्ठा करने का, और न सिर्फ इतना बल्कि उनको सही दाम भी मिल पाएगा, क्या वजह है, क्यों कानून बनने के बाद भी लागू नहीं होता है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या समझ है? देखिए श्याम जी, असल में एक तो बात साफ समझ में आ रही है, जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, सरकार के पास वायलेंस के अलग अलग आयाम, अलग अलग तरीके हैं, उसकी वजह से आप देख लीजिए, एक बड़ी बात है जो झारखंड में बहुत मशहूर है कि हमारा जो आदिवासी है वो प्रकृति को माँ समझता है, जंगलों को माँ की तरह ट्रीट करता है। तो जैसे माँ का स्तन काट के नहीं खा सकते हैं, वो उतना ही दोहन करेंगे जिससे कि आपका जंगल सुरक्षित रहे। फॉरेस्ट विलेजेस के जो लोग हैं वो अगर रिजर्व फॉरेस्ट में या सिक्योर्ड फॉरेस्ट में ट्रांजिट करते हैं, आप देख लीजिए जो आंकड़े हैं अपने यहाँ नक्सल नाम पर, UAPA के विक्टिम्स, 17 सेलेक्ट के विक्टिम्स जो हैं वो मैक्सिमम फॉरेस्ट विलेजेस से हैं। इन खास मेहमानों के अलावा हमारे साथ बड़ी तादाद में यहाँ आसपास के गाँव के आदिवासी हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा केदारनाथ महतो जी। अच्छा केदार महतो जी, ये बताइए कि हमने एक फल देखा था यहाँ पर, केंदा जिसको केंदू बोलते हैं, केंद बोलते हैं जिसको, बिल्कुल चीकू जैसा, वो भी क्या बाजार में बेचते हैं? हाँ, वो भी बिकते हैं। तो क्या भाव बिकता है वो? कम से कम 20 रुपये किलो बिकते हैं। 20 रुपये किलो बिकता है, और ये भाव तय कौन करता है जब आप बाजार बेच रहे? तो ग्रामीण लोग ही तय करते हैं, ग्रामीण लेके जाते हैं, अगर अधिक मार्केट में चढ़ गया तो फिर मार्केट नहीं रहता है तो फिर लोग कर देते हैं। आपके गाँव में ग्राम सभा होती है? जी, मीटिंग होती है ग्राम सभा की? होती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ये सब चर्चा नहीं करती है? चर्चा तो करते हैं, ग्रामीण सब एक मिल के करते हैं कि हम लोग इस सब केंदु पीआर पिठोर को जमा करें और बाजार में बेचें। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे जो भी चुनता है, महिला हो या पुरुष हो, वो जब बाजार में जब बेचने जाती है तो बाजार में उसका लो दाम सुन के ही इन लोग का मन नहीं करता है कि हम लोग और मतलब इसका व्यापार करें। महुआ अपने घर के इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करते हैं, बेचते भी हैं? बेचते हैं। तो क्या भाव मिल रहा है इस साल? पहले तो 25 रुपये केजी था, लेकिन अभी 30 रुपया है बाजार में। इस बार थोड़ा 5 रुपया किलो, 5 रुपया बढ़ा है, बढ़ा है। आप क्या क्या इकट्ठा करते हैं जंगल से? क्या क्या करेंगे, अभी केंद पीआर सब करते हैं, बाजार में ले जाते हैं तो वही दाम नहीं मिलता है, इसलिए मन नहीं करता है बाजार में बेचने के लिए, तो कौन इतना धूप में जाएगा मरने। बासवी जी, MSP को लेकर जो हमने सुना था कि एक बड़ी कमेटी बनी थी केंद्र की तरफ से, जिसमें ये तय किया गया था कि वनोपज जो है उसका बाकायदा MSP होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, क्या हुआ है वो? मुझे लगता है आप डॉक्टर टी हक कमेटी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 2011 मई महीने में ये रिपोर्ट दिया था। ये बहुत ही हास्यास्पद है, आप देखेंगे कि उसमें स्टेट वाइज जो लिस्टिंग हुई है वनोपज की, तो उसमें झारखंड में केवल 42 लघु वनोपज की लिस्टिंग हुई है। बताइए कि अभी हमारे हेमरम साहब बता रहे हैं कि पूरे झारखंड में और उड़ीसा झारखंड जो एक ग्रेटर झारखंड का पार्ट रहा, उसमें लगभग 4000 वनोपज थे, लेकिन सरकार ने केवल 42 की लिस्टिंग की हुई है। जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ, क्योंकि समय की सीमा है, हमें ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। इतना ही कह सकते हैं कि कानून में जो लिखा गया है, संसद में जो कानून पास हुआ है, अफसोस की बात यह है कि उसको लागू कराने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ग्राम सभाओं को ताकत दी गई है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन पर जब आप आते हैं तो ग्राम सभाओं की उस ताकत को आप यहाँ नहीं पाते हैं, और यहाँ पर जो संगठन काम करते हैं उनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है उस कानून को लागू कराने के लिए जो संसद ने इन आदिवासियों के लिए पास किए।
मैं भी भारत के इस एपिसोड में आज इतना ही। एक और एपिसोड के साथ झारखंड से ही आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारा दिन काम करने के बावजूद आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।